बॉलीवुड इंडस्ट्री में नसीरुद्दीन शाह ऐसे अनुभवी और दिग्गज कलाकार हैं जो अपनी शानदार अदाकारी और जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही नसीरुद्दीन शाह अक्सर अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में बने रहते हैं। उनके ये बयान अक्सर उनके लिए मुसीबत भी खड़े कर चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह अक्सर ऐसे कई मुद्दों पर बयान देते हैं जिनका जमकर विरोध भी होता आया है। अपने बयानों की वजह से वो अक्सर विवादों में भी फंस चुके हैं। अब उनके इन बयानों से उनकी पत्नी रत्ना पाठक ने हाल ही में अपनी राय पेश की है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान रत्ना पाठक ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर अपनी बात की है। अब अपने ऐसे बयानों से भले ही नसीरुद्दीन शाह को कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन उनकी पत्नी रत्ना पाठक अपने पति के बयानों से डरी रहती है। एक इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने कहा कि उन्होंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वो सार्वजनिक तौर पर अपने विचारों को व्यक्त ना करें। रत्ना पाठक ने कहा, आज के समय में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। काम ना मिलने के कई कारण हैं। डर लगता है, लेकिन क्या करें? अगर दुनिया में जो गलत हो रहा है उसे कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा तो वो सुधरेगा कैसे? दुनिया की चीजें कैसे बेहतर होंगी? इतना ही नहीं, रत्ना पाठक ने अपने उस डर का खुलासा भी किया जहां उन्हें अपने पति नसीरुद्दीन शाह के बयानों के कारण खड़े हुए विवादों की वजह से लगता है कि कहीं किसी दिन कोई उनके घर पर पत्थर ना डालने आ जाए। रत्ना पाठक की इन बातों से तो साफ है कि वो अपने पति के इन बयानों के कारण काफी डरी हुई रहती है। अब रत्ना पाठक के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म कच्छ एक्सप्रेस से गुजराती सिनेमा में अपना डेब्यू करने वाली है। इसी के साथ उनके पति नसीरुद्दीन शाह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म कुत्ते में नजर आने वाले हैं, जिसके ट्रेलर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब नसीरुद्दीन शाह ने अपनी एक्टिंग से भले ही तमाम लोगों का दिल जीता हो, लेकिन उनके बयान उनकी पत्नी के लिए डर का सबब बने हुए हैं।